You can watch this video with English audio on my alternate channel Career Master. I am sharing the link of the channel in the description of this video. Click that link and watch the video with English audio on Career Master. आप इस वीडियो को इंग्लिश ऑडियो के साथ मेरे अल्टरनेट चैनल करियर मास्टर पर देख सकते हैं. चैनल के लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ. आप इसे क्लिक कर वीडियो को इंग्लिश ऑडियो के साथ सुन सकते हैं. हेलो एंड वेलकम, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है. खैर मकदम है. मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम. CUCET 2020 के मुतालिक आपके लगातार सवाल मिल रहे हैं. सवालों का जवाब भी आपको मिल रहा होगा कुछ कमेंट्स के ज़रिए, कुछ वीडियोस के ज़रिए. एक सवाल आप में से कई लोग लगातार पूछ रहे हैं कि मेडिकल सर्टिफिकेट यानी फिटनेस सर्टिफिकेट क्या ज़रूरी है, फिटनेस सर्टिफिकेट कहाँ से बनता है, आप कैसे बनवा सकते हैं फिटनेस सर्टिफिकेट यानी मेडिकल सर्टिफिकेट. जी हाँ, मेडिकल सर्टिफिकेट एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है. इस खास वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि कैसे आप मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं. आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि CUCET के रिगार्डिंग जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करता हूँ उस चैनल पर उसकी जानकारी आप कहीं मिस ना कर जाएँ. बात करते हैं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट. जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया है कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने होंगे CUCET के काउंसलिंग और एडमिशन के लिए. एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट. इसको लेकर काफ़ी आप में से कई लोग कन्फ्यूज हैं. कोई कह रहा है मुझे खांसी है तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनेगा या नहीं, मुझे बुखार है यानी फीवर है तो क्या मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनेगा या नहीं बनेगा. बिल्कुल ऐसे सवाल आ रहे हैं, हालांकि मैंने कमेंट के थ्रू जवाब दिया है. लेकिन आपको यह बता दें कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आम तौर पर एक फिटनेस सर्टिफिकेट है, एक साधारण सा सर्टिफिकेट है जो सर्टिफाई करता है कि आप दिखने में ठीक लगते हैं, यानी आप मेंटली अनफिट नहीं है. जहाँ तक पर्पज़ दिखता है इस सर्टिफिकेट का, ये सर्टिफाई करता है कि आप मेंटली फिट हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं यूनिवर्सिटी में, आपको पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको भी ना तो यूनिवर्सिटी को, इसलिए ये सर्टिफिकेट बनाया जाता है. जहाँ तक आपको सर्दी हो, खांसी हो, साथ ही साथ फीवर हो या थोड़ी मोरी बीमारी हो आपको, तो ऐसे बीमारियों में ऐसा नहीं है कि आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा और आपको इससे कोई परेशानी होगी. दूसरी बात है कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनेगा कहाँ से, यह भी इम्पॉर्टेंट सवाल है. ये बहुत ही आसान है, आपके करीब आपके घर के पास जो डॉक्टर हों, बस ये होना चाहिए कि वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होने चाहे हों, वो MBBS हो या हायर डिग्री के हों, जो भी हों, या फिर आप अपने शहर के सरकारी अस्पताल में जा सकते हैं, वहाँ से भी आप मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बना सकते हैं. तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट को लेकर आप ज़्यादा परेशान ना हो, ये बिल्कुल एक सिंपल प्रक्रिया है. आप जाए डॉक्टर के पास, उनको बताएं कि आपको एडमिशन लेना है, इसके लिए फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए, वो अपने लेटर हेड पर आपको सर्टिफाई कर देंगे. या इसके लिए एक फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट आमतौर पर दिया जाता है यूनिवर्सिटीज़ द्वारा, अपने वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है. उस फॉर्मेट को डाउनलोड कर आप डॉक्टर साहब से साइन करवा कर आराम से काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, साथ ही साथ आपको एडमिशन आसानी से मिल जाएगा. हाँ, एक बात बता दूं कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अगर किसी वजह से आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो अगर आप अंडरटेकिंग भर के देंगे यूनिवर्सिटी में, तो आपको बिल्कुल चांस मिल जाएगा एडमिशन लेने का, और आपको वो बाद में वो सर्टिफिकेट जमा करना होगा. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट दिखता कैसा है, क्या है उसका फॉर्मेट. जो लिंक है या एक वीडियो के लिंक है जो मैंने पहले बनाया था, इस लिंक को क्लिक कर आप आराम से पता कर सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको कैसे और कहाँ से मिल सकता है. साथ ही साथ आई बटन में भी मैं उस लिंक को शेयर कर देता हूँ, जिसे देख कर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का बनता है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और गैप सर्टिफिकेट. इस वीडियो में इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, दूसरों से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल के आइकन को ज़रूर दबाइए. थैंक्स अ लॉट, प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग माई चैनल. ऑल द बेस्ट फॉर CUCET 2020, ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर.